गुड इवनिंग एवरीवन, आई शुभम जैन फ्रॉम आयुर्वेदिक चैनल द इंडियन पैथी वेलकम्स यू ऑल इन टुडेज ऑनलाइन द्रव्यगुना वेबिनार सीरीज। आर टुडे स्पीकर इज डॉक्टर हरलीन विद द टॉपिक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर हरलीन मैम टू स्टार्ट आवर टुडेज प्रेजेंटेशन। ओवर टू यू मैम। जो कि WHO के द्वारा पब्लिश होता है। Now the Ayurvedic Pharmacopoeia of India is the official book of standard for Ayurvedic single crude drugs and formulation published by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. API के दो parts आते हैं, एक part 1 और part 2। जो part 1 है उसमें monograph है single drugs के, उनके standards हैं, और जो part 2 है उसमें compound formulations के standard mention किए हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में एक उपकरण है जो ड्रग्स की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को सुनिश्चित करता है। आचार्य चरक के अनुसार औषधियों का नाम और स्वरूप मात्र जानने से ही उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, पूर्ण ज्ञान के लिए उनके गुण, कर्म इत्यादि से भी परिचय आवश्यक है। पहले वैद्य मेडिसिन को इंडिविजुअल बेसिस पर प्रिपेयर करते थे, अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने के कारण एडल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए क्वालिटी एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी। मार्केट में ऐसे बहुत से आयुर्वेदिक ड्रग हैं जिनमें वो इंग्रेडिएंट ही नहीं होते जो मेंशन किए जाते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। स्टैंडर्डाइजेशन बैच टू बैच वेरिएशंस को कम करता है। एक द्रव्य के अनेक पर्याय हैं और एक पर्याय अनेक द्रव्य के होने के कारण प्लांट की एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अलग अलग स्थान या काल के कारण ड्रग्स की प्रॉपर्टीज में भिन्नता आ जाती है और ड्रग्स की इन वेरिएशन को रिजॉल्व करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी एंड प्यूरिटी को मेंटेन करने के लिए ड्रग्स की कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करेक्ट होनी चाहिए, जो कि तभी अचीव हो सकती है अगर कोई स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर ले डाउन होंगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा इज पॉसिबल ओनली बाय स्टैंडर्डाइजेशन। अब दी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी, ये फर्स्ट एस्टेब्लिश हुई थी 1962 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद सर रामनाथ चोपड़ा एज चेयरमैन ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी इन 1962। ये जो चेयरमैन है आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी के, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। डॉक्टर एस के शर्मा चेयरमैन थे 2012 में, और जो प्रेजेंट चेयरमैन है आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी के वो है प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य। आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी के फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रिपेयर करती है सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग्स ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, और स्टैंडर्ड इन्वॉल्व करती है सिंगल और कंपाउंड ड्रग्स में। आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी प्रिपेयर करती है ड्राफ्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो डिवेलप्स द स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स। प्रत्येक मोनोग्राफ जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया बुक में मेंशन है, उसके प्रोटोकॉल आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी के द्वारा डिवेलप होते हैं और अप्रूव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस लेबोरेटरीज लाइक प्लिम। तो प्लिम है फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये गाजियाबाद में सिचुएटेड है, डिवेलप की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 1970 एंड इट इज एन अप्रूव्ड लेबोरेटरी अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इट मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ड्रग्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिम, इट ऑल्सो लेस द स्टैंडर्ड ऑफ द सिंगल एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशन। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से जो ड्रग सैंपल रिसीव करते हैं उसके बाद क्लिम में एनालाइज होते हैं। डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन से क्रू ड्रग सैंपल को कलेक्ट करके फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को सेट करना प्लिम का फंक्शन है। मेडिसिनल प्लांट गार्डन को मेंटेन करना और विदेशी पौधों के लिए अपने स्वदेशी विकल्प को खोजना प्लिम
टाइम टू टाइम जो है मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग एनालिस्ट साइंटिस्ट वर्किंग इन दी फार्माच्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए और स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक स्पेसिमेन ऑफ हर्बेरियम को प्रिजर्व करती है और ये कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन को तैयार भी करती है। अब है फार्माकोपियल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये कमीशन बेसिकली फार्माकोपियल कमेटी को गवर्न करती है। ये कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी 2010 में एज फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन बट ऑन 25 जून 2014 इसमें होम्योपैथी भी ऐड किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को ये भी डिवेलप करती है और जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक फार्माकोपियल कमेटी है इनके अंडर आती है फार्माकोपियल कमीशन के अंडर। और फार्माकोप्लिम और जो होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी है वो इसके परमानेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और इसके थ्री टायर स्ट्रक्चर हैं सेंट्रल बॉडी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी एंड साइंटिफिक बॉडी। तो जो जनरल बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ कमीशन के लिए। टायर टू जो है दी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ये डील करती है मैटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल अप्रूवल और साइंटिफिक बॉडी है डील करती है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क थ्रू डिफरेंट फार्माकोपियल कमेटीज। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया सिद्धा फार्माकोपिया और यूनानी फार्माकोपिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया इंडिया की इन बुक्स को सूटेबल इंटरवल के बाद प्रकाशन और संशोधन कराना इसका काम है। ये कमीशन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग की अवेयरनेस को बढ़ावा देती है। WHO की एक्सपर्ट कमेटी अथवा इंटरनेशनल बॉडीज के साथ इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक मेडिसिन के स्टैंडर्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करवाती है। ये नेशनल इंटरनेशनल सिंपोजिया सेमिनार मीटिंग कॉन्फ्रेंसिस को अरेंज करती है टाइम टू टाइम ताकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको अपग्रेड या ट्रेन किया जा सके। फिर आती है जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया उनकी पब्लिकेशन जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके दो पार्ट आते हैं जो पार्ट वन है उसके फिर आगे 9 वॉल्यूम आते हैं सिंगल ड्रग मोनोग्राफ से डील करते हैं और जो पार्ट टू है उसके 4 वॉल्यूम्स हैं। तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पार्ट वन टोटल जो 9 वॉल्यूम है उनमें 645 मोनोग्राफ्स हैं। API पार्ट वन वॉल्यूम वन जो था वो सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1986 में विथ 80 मोनोग्राफ। सब्सिक्वेंटली अदर वॉल्यूम पब्लिश हुए पार्ट वन वॉल्यूम टू इन 1999 विद 78 मोनोग्राफ। API पार्ट वन वॉल्यूम थ्री इन 2001 विद 100 मोनोग्राफ्स। पार्ट वन वॉल्यूम फोर इन 2004 विद 68 मोनोग्राफ। पार्ट वन वॉल्यूम फाइव इन 2006 विद 92 मोनोग्राफ। पार्ट वन वॉल्यूम सिक्स इन 2008 विद 101 मोनोग्राफ। जो API पार्ट वन वॉल्यूम सेवन है वो मिनरल्स एंड मेटल्स से डील करता है जो कि 2008 में पब्लिश किया था 21 मोनोग्राफ के साथ। और जो पार्ट वन वॉल्यूम 8 एंड 9 है वो हाइड्रोअल्कोहलिक एंड वाटर एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है जो कि 2011 एंड 2016 में पब्लिश किया था और विद 60 एंड 45 मोनोग्राफ्स रिस्पेक्टिवली। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पार्ट टू कंटेन्स 4 वॉल्यूम एंड टोटल 202 फॉर्मुलेशंस। जो API पार्ट टू वॉल्यूम वन है वो 2007 में पब्लिश हुआ विद 50 मोनोग्राफ्स। पार्ट टू वॉल्यूम टू इन 2008 विद 51 मोनोग्राफ एंड API पार्ट टू वॉल्यूम थ्री इन 2010 विद 51 मोनोग्राफ एंड API पार्ट टू वॉल्यूम फोर इन 2017 विद 50 मोनोग्राफ। इनके हिंदी एडिशन भी आए जो आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी प्रिपेयर करती है तो पार्ट टू वॉल्यूम वन और टू के हिंदी एडिशन आए हैं। ये कुछ इस तरह की बुक होती है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की। सपोर्टिंग फार्माकोपियल पब्लिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपियल ड्रग है थिनलेयर क्रोमेटोग्राफी TLC एटलस एंड मैक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी एटलस। जो थिनलेयर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्ट वन वॉल्यूम वन का और वॉल्यूम थ्री का आया है 2009 एंड 16 विद 80 एंड 99 मोनोग्राफ्स रिस्पेक्टिवली।
मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी एबीआई ड्रग्स पार्ट वन वॉल्यूम फाइव की एंड पार्ट वन वॉल्यूम वन की आई है इन द ईयर 2009-2011 विद 92 एंड 80 मोनोग्राफ्स रिस्पेक्टिवली. तो जो पार्ट वन एबीआई पार्ट वन वॉल्यूम वन की पीएलसी एटलस भी आई है और मैक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी एटलस भी आए हैं. ये बुक है एटलस ऑफ मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी कैरेक्टर्स ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपियल ड्रग की पार्ट वन वॉल्यूम वन एंड पार्ट वन वॉल्यूम फाइव. अब कंटेंट्स ऑफ एबीआई, इसमें है लीगल नोटिस, जनरल नोटिस, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशन, मोनोग्राफ ऑफ प्लांट, अपेंडिक्स, इंडेक्स. लीगल नोटिस ऑफ एबीआई इसमें दिया है, भारत में ड्रग्स के संबंधित कानून हैं जो औषध योग मोनोग्राफ पर लागू होते हैं. विधि अनुसार जहां जो कानून लागू होता है उसके अनुसार मोनोग्राफ पढ़ा जाना चाहिए. इन कानून लॉस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले में जांच कर लेनी चाहिए. सामान्य रूप से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, The Dangerous Drug Act 1930, The Poisonous Act 1919 के नियमों पर विचार किया जाना चाहिए. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत एपीआई के स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो कि ऑफिशियल हैं. जरूरत पड़ने पर इन स्टैंडर्ड को अमेंड किया जा सकता है बाय द चेयरमैन ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी. और जब भी ड्रग्स में कोई संशोधन किया जाता है एपीआई उसके अनुसार संशोधित होती है. जनरल नोटिस ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन डिस्क्राइब हैं जो कि हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स, इसमें है फार्माकोग्नोस्टिकल पैरामीटर और फिजियोकेमिकल स्टैंडर्ड्स. फार्माकोग्नोस्टिकल पैरामीटर, फार्माकोग्नोस्टी खुद दो वर्ड से बना है, फार्माकोन जो कि ड्रग है और जिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ. इसमें मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी है. मैक्रोस्कोपी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं और माइक्रोस्कोपी में प्लांट हिस्टोलॉजी आती है. ये असेस किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्डाइजेशन. फिजियोकेमिकल पैरामीटर असेस किया जाती है प्योरिटी ऑफ रॉ ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन के लिए. ये आगे पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल स्टैंडर्ड्स. देर आर सम इंस्ट्रूमेंट which helps in fixing the standard. They are AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer, HPDLC, High Performance Thin Layer Chromatography, GC, Gas Chromatography, FTIR, Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, UVS, Ultraviolet Spectrophotometer and PSA, Particle Size Analyzer. ये instrument use किए जाते हैं standards को fix करने के लिए. Parameters of standardization of a drug. It includes title. Title of the book is API, Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Name of the drug. Name of the drug जो है वो टॉप में दिया होता है हर मोनोग्राफ के और संस्कृत में होता है. इसको जो भी ऑफिशियल जो भी नेम दिया होता है वो ऑफिशियल माना जाता है. एंड द नेम्स हैव बीन अरेंज इन इंग्लिश इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. इंट्रोडक्टरी पैरा. इंट्रोडक्टरी पैरा इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ड्रग इन लैटिन, डिस्क्रिप्शन अबाउट द हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेथड ऑफ कलेक्शन इफ एनी. ये सिनोनिम्स आते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और अदर लोकल लैंग्वेजेस में जो कि डिस्क्राइब हैं आयुर्वेदिक क्लासेस में. ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स में आता है ऑर्डर एंड टेस्ट आता है. ऑर्डर कैसे एग्जामिन किया जाता है, बाई डायरेक्ट स्मेलिंग 25 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग. वेन एवर अ स्पेसिफिक ऑर्डर हैज बीन फाउंड इट हैज बीन मैंशनड. अगर कोई चीज़ या कोई ड्रग ऑर्डरलेस होगा वो बार बार रिपीट नहीं किया जाता इसमें, वो अंडरस्टूड होता है. अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होगा वो मेंशन होगा बुक में उस ड्रग के रिलेटेड. और टेस्ट ऑफ द ड्रग, इट इज एग्जामिन्ड बाय टेकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 85 मैश पाउडर बाय अ टिप ऑफ अ मॉइस्ट ग्लास रॉड एंड अप्लाइंग इट ऑन द टंग प्रीवियसली रिंस्ड विद वाटर. दिस मे नॉट बी डन इन केस ऑफ पॉइजनस ड्रग्स इंडिकेटेड इन द मोनोग्राफ. फिर मैश नंबर आता है. व्हेनेवर पाउडरिंग ऑफ द ड्रग हैज बीन रिक्वायर्ड, द सीव मैश नंबर 85 हैज बीन यूज्ड. दिस मे नॉट अप्लाई फॉर ड्रग्स कंटेनिंग ऑयली सब्सटेंस. फॉर वेट्स एंड मेजर्स मैट्रिक सिस्टम इज एम्प्लॉयड. नाउ कम्स द फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स.
physical parameters to measure the physical characteristics of a substance such as moisture content, density, optical rotation, melting point, foreign organic matter, specific gravity, viscosity, reflective index, solubility, extractives, and chemical parameters include chemical tests and assays, identification and isolation of active constituents of drug, quantitative chemical testing like sponification, detection of adulteration, health fund test for the cottonseed oil, etc. The pharmacognosy में microscopy and macroscopy जैसे पीछे का कि authentication and identification of drug के लिए की जाती है. Pharmacological aspect properties and action, रस, गुण, वीर्य, विपाक and गर्म, therapeutic use and dosage. Toxicological study include heavy metal, microbial, pesticide and radioactivity. अगर हमारे क्रूड ड्रग सैंपल के इन पैरामीट्रिक वैल्यूएशन के बाद सेम रिजल्ट या वैल्यूज आती हैं जो एपीआई में मेंशन है, तब भी हमारा जो ड्रग होगा वो ऑथेंटिक कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं. और जो मेडिसिनल प्लांट की रिसर्चेस के रिगार्डिंग रिसर्चर्स हैं, उनको ये जो सेट पैरामीटर है एपीआई के, वो फॉलो करने ही पड़ते हैं क्योंकि यही ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड है फॉर आयुर्वेदिक ड्रग्स. पर जो भी ये बात कही है वो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, ये कुछ नई चीज नहीं है. हमारे आयुर्वेद में इसकी क्लासिकल रेफरेंस मिल जाती है चरक संहिता विमान स्थान 8/87 श्लोक में. इसमें आता है तस्य अभी परीक्षा इदम एव प्रकृति एव गुण एव प्रभाव अस्मिन देश जात अस्मिन नृताम एव गृहितम एव निहितम एव उपसंस्कृत मन्या च मात्रा युक्तम अस्मिन व्याधे विदस्य पुरुषस्य एतावन्ते दोष उपकर्षम अपशमयन्ति वा यद अन्यदपि च एविदं भैश्चम भवेत अनेन विशेषेण युक्तम इति. तो इदम एव प्रकृति, प्रकृति में इंक्लूड है नाम रूप और नेचर ऑफ ड्रग. पौष्टि के नाम तथा रूप का ज्ञान वनवासियों भेड़ तथा गाय आदि चराने वालों से प्राप्त करना चाहिए. पौष्टि नाम रूपाभ्याम जानते ह जपा बने अभिपाशव एव गोपा च ये जो अन्य वनवासी नेचर ऑफ सूत्र वन की रेफरेंस है. और नेचर ऑफ अ ड्रग में आता है स्थिति, कैसी स्थिति है, पुरानी है, नहीं है. फिर आते हैं उनके गुण. गुण होता है भेषज के गुण, बहुता तत्र योग्यता अनेकविध कल्पना संपद चैति चतुष्कोयम द्रव्या नाम गुण उच्यते. बहुता बहु मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए ड्रग, रोगों के नाश करने में योग्य होनी चाहिए, उसकी अनेकविध कल्पना संभव होनी चाहिए और संपन्न होनी चाहिए रस गुण वीर्य विपाक में. आगे आता है प्रभाव. प्रभाव क्या होता है? रस वीर्य विपाक का नाम सामान्य यत्र लक्ष्यते विशेषे कर्मणा च ए प्रभावस्य ससमृते. तो प्रभाव स्टैंड फॉर स्पेसिफिक एक्शन ऑफ अ ड्रग. एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन वेरियस ऑर्गन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ प्रभाव. देश, देश इंक्लूड सॉयल, एयर, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, अल्टीट्यूड, विच आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नॉलेज अबाउट द हैबिटेट ऑफ अ ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ड्रग शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रशस्त देश. फॉर एग्जाम्पल चंदन फ्रॉम मलयर देश, कुमकुम फ्रॉम कश्मीर. ऋतु, ऋतु डोनेट्स द कॉल काल. नृताम एव ऋतु, इट डोनेट्स द कॉल काल. अयन ऋतु, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, नक्षत्र. ड्रग शुड बी कलेक्टेड इन द प्रशस्त काल एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिक्स. गृहितम मोड ऑफ कलेक्शन एंड निहितम रिजर्वेशन ऑफ ड्रग. तो गृहितम एंड निहितम जो है वो शुड बी डन अकॉर्डिंग टू चैप्टर कल्पस्थान चरक संहिता. कल्पस्थान चैप्टर नंबर 1 में जैसे मेंशन है मेथड ऑफ कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग, उनके अकॉर्डिंग कलेक्ट किया स्टोर करना चाहिए ड्रग्स को. उपसंस्कृत, उपसंस्कृत है संस्कृत करना. फार्माच्यूटिकल प्रोसेसिंग ऑफ द्रव्य इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नेचुरल प्रॉपर्टी टू ऐड ऑन न्यू प्रॉपर्टीज टू द ड्रग टू डिलीट द अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज एंड टू मेक द होती है मात्रा काल आश्रय युक्ति ही आचार्य चरक के द्वारा कहा गया है. और षडंगधर ने भी बोला है स्थिति नातस्य मात्रा कालम अग्नि वयो बलम प्रकृति दोष देश च दृष्टाम मात्राम प्रकल्प्यते.
मात्रा कोई स्थित नहीं है, काल अग्नि वह बल प्रकृति दोष देश के आधार पर मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए। व्याधि, व्याधि है एप्लीकेबिलिटी, डिस्क्राइब करती है हाउ टू यूज द ड्रग। द ड्रग्स कैन बी यूज इन वेरियस डिसीजेस। एविदस्य पुरुषस्य द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। एतावन्ते दोष उपकर्षम अपशमयन्ति वा, वेदर इट एलिमिनेट्स और पैसिफाइज द दोषास। यद अन्यदपि च एविदं भैषं भवेत् अनेन विशेषेण युक्तम् इति। एनी अदर ड्रग ऑफ दिस टाइप शुड हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इन पॉइंट्स को हम डीपली एनालाइज करें तो हम ड्रग्स की ऑथेंटिकेशन से लेके गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस तक और आयुर्वेद प्रिंसिपल के द्वारा ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। जैसे प्रकृति, गुण, प्रभाव, नेचर, प्रॉपर्टीज और एक्शन आ गई ऑथेंटिकेशन में। देश, निर्णाम और गृहितम फूड कलेक्शन प्रैक्टिसेस में। और निहितम स्टोरेज, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस में। और टेक्निक में जो मात्रा, व्याधि और नीचे वाले पॉइंट्स है वो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं। तो एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड दैट एबीआई इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एम्स टू मेंटेन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग एंड फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा। थैंक यू। Now the session is open for the discussion. If you have any queries, you can post it. Thank you so much, ma'am, for the nice